लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डॉक्टर वर्मा का कहना है कि आपके बाबा का ट्रॉमा इज डेफिनेटली ड्यू टू अ चाइल्डहुड इंसिडेंट। गांधी जी की हत्या के वक्त आपके बाबा 8-9 साल के होंगे। He's 1941. He was considered a genius, you know. उनके सारे स्टूडेंट्स उन्हें हमेशा कहते, सर आपसे हमें सिर्फ लिटरेचर समझने का नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया मिला है। एंड नाउ ही सो लोनली, सो लोनली। त्रिशा, दुनिया में सबसे अकेला इंसान वो नहीं जिसने अपना सब कुछ अपने करीबी लोग खो दिए हों, बल्कि वो है जिसने अपने आप को खो दिया है। हेलो, ओ माय, सॉरी सॉरी सुनीता जी, मैं बस मैं पहुंच रही हूँ। आई विल बी राइट देयर जी, पेपर्स मेरे साथ है। आई एम सॉरी, मैं बस पहुंच रही हूँ। मुझे एक मीटिंग कंप्लीटली भूल गई थी। आई एम सो सॉरी, सी यू, टेक केयर, थैंक्स। अरे भाई साहब, वो आप जरा इनका ध्यान रखिएगा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। हाँ, Where is she, Mrs. Khanna? She will be here any moment. Usually she is very, very punctual. Okay, but we're running late already. I'm so Sunita sorry. Ji. Hello. Hello. Yeh, these are the papers. Aap manage kar lijiyega, main chalti hoon. Chalti hoon ka matlab? Iske sare details tumhare paas hai, tumhe samjhana hoga. Aap sambhal lijiye please. Main nahi ruk sakti. Gaadi mein baba baithe hain. Tum unhe yahan leke kyun aayi? क्लिनिक में लेके गई थी मैं उन्हें, वहाँ पर देर हो गई तो वहाँ से यहाँ पर सीधा आना पड़ा। प्लीज मैनेज कर लीजिए। अच्छा जाओ, मैं संभाल लूंगी। श्योर। अच्छा जाओ, अब खड़ी क्यों? नाइस मीटिंग यू। ओके, बाय बाय। यू सी शी हैज गॉट सम फैमिली प्रॉब्लम। नहीं नहीं अप्पा, यू हैव यू जस्ट चेक्ड इन काइंड ऑफ। नहीं, शी इज एक्चुअली चेकिंग इन। आशीष, हाय, हाँ, तुम, मुझे पता ही नहीं था तुम कहाँ पर। कम डार्लिंग, आई हैव गॉट द कीज। त्रिशा, दिस इज सुचित्रा। हाय, यू गॉट मैरिड? या एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कंग्रेट्स। थैंक्स। ये वही है ना, मुझे तो नॉर्मल लगे। बाबा, ओ भाई साहब, ये बाबा बैठे थे ना यहाँ पर, कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? अरे चले गए, मैंने आपको कहा था ना उनका ध्यान रखने के लिए, कहाँ चले गए बताइए। हाँ, मैंने उनसे पूछा था बहन जी कहाँ जा रहे हो, पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, उतरे और तेजी से सीधा चले गए। अच्छा, किस तरफ गए हैं? उस तरफ। अच्छा, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठो जल्दी।
इतना हुआ भैया। आपका वो बहन जी 340 रुपए। हाथ मत लगा मुझे, पीछे रो, पीछे रो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाबा मैं रोनू। मैं किसी रोनू को नहीं जानता। बाबा ये रोनू भैया अमेरिका से आए हैं। मेरा किसी ने आज उपवास है मेरा। मैं अनग्रहण नहीं करना चाहता, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने गांधी जी से आज्ञा भी ले लिया। मैं त्रिशा उपवास मेरा उपवास तोड़ रहे हैं, ये मेरा उपवास तोड़ रहे हैं। मुझे मुझे जहर देकर मार देना चाहते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो, उसको पीछे हटो। शराब से सब बकवास बंद करो। क्यों तोड़ना चाहते हो उनका उपवास? जहर देकर मार देना चाहते हो उनको? तुम कोई भाई भाई नहीं हो तुम मेरे। दूर हटो, अकेला छोड़ दो हम लोगों को, छोड़ दो अकेला। बोल दिया बाबा, बोल दिया। चलिए बस पहुंच गए, कोई परेशान नहीं करे। चल आइए क्या हुआ दीदी? मुझे मालूम था वो कमीना। करण, माइंड योर लैंग्वेज। बट व्हाई भैया, मेरी गलती क्या थी? नथिंग सिस, तुम्हारी गलती थोड़ी है। यू जस्ट रेस्ट, कल बात करेंगे ना। बाबा कैसे? इज फाइन, ओके। ये खाओ और सो जाओ, चलो तुम। मेडिसिन दे दी? सो गई। शी इज टेकिंग इट वेरी बैडली डॉग। 4 साल तक दे वर टुगेदर, यू नो। आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है। एनीवे, मैं ये कह रहा था, अब हमारे लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि गांधी जी की हत्या से प्रोफेसर उत्तम चौधरी का क्या कनेक्शन है। कोई इंसिडेंट, कोई बात, कोई इमेज, उनके किसी चाइल्डहुड फ्रेंड को कुछ पता हो। त्रिशा कुछ बात कर रही थी दिल्ली में आपके किसी चाचा के बारे में। ओ, गट्टू चाचा। बाबा उन्हीं के साथ पले बड़े हैं। हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो, हमें वहाँ पर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। He could be very important for our case. इस दौर में डॉक्टर कोठारी ने रिकवर होने में मेरी बहुत मदद की। डॉक्टर नहीं, दोस्त की तरह। वो कब परिवार का हिस्सा बन गए, कब बाबा की बीमारी उनके लिए चुनौती बन गई, पता नहीं चला। उनके साथ एक नई उम्मीद जागी थी। 4 दिन बाद हम दिल्ली पहुंचे गट्टू चाचा से मिलने। समझ गया, वही बात है। कौन सी बात? गांधी जी की हत्या। गांधी जी की हत्या? बचपन में एक साथ कई खेल खेला करते थे हम, लेकिन सबसे मजेदार था तीर कमान से निशाना लगाना। गुब्बारे में लाल रंग डालते थे। फोटो के साथ उसे दीवार पर लगा दिया करते थे, फिर आंखों में पट्टी बांधकर
निशाना लगाते थे। नहीं लगा, नहीं लगा, मेरी बारी है, मेरी बारी। उत्तम का निशाना सबसे पक्का था। हम उसे अपना लीडर मानते थे। उस दिन कोई फोटो नहीं मिली। उत्तम की आंखों में पट्टी लगी हुई थी। मिल गया, मिल गया, तस्वीर मिल गया। एक लड़का फोटो लेकर आया और दीवार पर लगा दिया। ए, निशाना लग गया, निशाना बिल्कुल सही लगा। ए, लग गया, लग गया। ये क्या क्या की बदनसीबी थी कि उसी दिन 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। लेकिन इसमें बाबा की क्या गलती थी? ताऊ जी ने इसे अपशगुन माना। उन्होंने कहा अगर उत्तम ने ऐसा ना किया होता तो गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती। ललिता, आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और खबरदार, खबरदार जो इसने मेरी चिता को आग दी। उसके बाद वाकई उन्होंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। ना वो उत्तम की शादी पे आए, ना ही इन बच्चों को मिलने के लिए। मैं जब कभी बंबई गया तो मुझसे एक ही बात पूछते थे, क्या गलत किया मैंने, क्या गलत किया था मैंने, क्या गलत किया। हम जिसे ओल्ड एज प्रॉब्लम या भूलने की मामूली बीमारी मान रहे थे, उसके लिए डिमेंशिया, स्यूडो डिमेंशिया, अल्जाइमर काइंड ऑफ डिमेंशिया जैसी भयानक बीमारियों के नाम सुन रहे थे। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि ऐसी हालत में मरीज सच और कल्पना में भेद करना भूल जाता है, जैसे बचपन का तीर कमान अब बाबा के लिए गन बन गया था। लेकिन जब डॉक्टर कोठारी ने कहा कि ये केस उनके लिए भी एक चैलेंज है, तो मैं बहुत डर गई। क्या बाबा की दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई कि ठीक ही नहीं होगी? डॉक, वेदर इट्स अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, सूटो डिमेंशिया, व्हाटएवर, मुझे एक चीज पूछनी है। जस्ट टेल मी, इज देयर अ क्योर? डोंट गिव मी फॉल्स होप। ऑनेस्टली अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं मिला। यू मीन बाबा हमेशा ऐसे ही रहेंगे? कुछ तो सोल्यूशन होगा। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जाती। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें लगे वो जेल में नहीं, अपने कमरे में, और गांधी जी की हत्या से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। प्लीज डू समथिंग, प्लीज। सिद्धार्थ, यू आर मैड। तुम जानते हो कि आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया गया। आई नो दैट तुम हमेशा इनोवेटिव आइडियाज लाते हो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, बट दिस इज सिंपली अब्सर्ड। सर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वो इस एक्सपेरिमेंट से क्योर नहीं हो पाएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो अपने इस गिल्ट से निकल आए कि उन्होंने गांधी जी को मारा। सिद्धार्थ, तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जिसका एंड नहीं लिखा गया। एनीवे, गुड लक। आप तो अमेरिका चले जाएंगे रोनू भैया, बचा मैं। मुझसे नहीं होता ये सब हैंडल, आई जस्ट कैन हैंडल इट। और त्रिशा दीदी, त्रिशा दीदी की लाइफ का क्या? करण, उनका बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़ गया। करण, उनकी जॉब छूट गई। और क्या, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तू जो चाहता है वो तू बोल। मैं बस यही चाहता हूं कि
अगर ये एक्सपेरिमेंट के बाद बाबा की हालत ठीक नहीं होती है तो हम उन्हें किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। बस दिमाग खराब हो गया है तेरा, जब से मेंटल हॉस्पिटल या असाइलम ये सब क्या बोले जा रहे हैं। दीदी आपने बाबा की हालत देखी है, मुझसे नहीं देखी जाती। आज जेल की बात करते हैं, कल कुछ और बात करेंगे और परसों कुछ और। बंद कर अपनी, पता नहीं क्या बके जा रहे हैं, जब से बता दे क्यों नहीं आप कुछ उसे। सेस, यू थिंक ही डजंट लव बाबा? वी ऑल लव हिम ना, दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर वो कुछ कर बैठे तो सपोज वो ये समझने लगे कि उन्हें फांसी की सजा हो गई है, अंदर जाकर फांसी लगा ली तो देन व्हाट? ओह कम ऑन रोनू भैया, that's such a typical American way of thinking. That's not a bloody American way of thinking. It is, भैया. Oh come on, Trisha. You heard what he said. इस बीमारी में वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी कहानी बना सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर कर लिया तो? What if he just does something? Then who's responsible? क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? Tell me. तो इसका मतलब, is it final, doctor? Shut up, Karan. भैया शट अप करण। व्हाट डू यू सजेस्ट डॉक? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। हम कामयाब होंगे या नहीं मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। यह तय हुआ कि नकली कोर्टरूम ड्रामा के बाद भी अगर बाबा ठीक नहीं हुए तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। मेरे बाबा मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे इस ख्याल से ही मैं डर गई हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों सिद्धार्थ की अप्रोच, उनका विश्वास मुझे हिम्मत दे रहा है कि बाबा अपने घर लौट आएंगे।